कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू आप यॉर्कर कैसे खेलें। आज का टॉपिक है यॉर्कर कैसे खेला जाए। एक तो होता है बिल्कुल बीच में आया हुआ यॉर्कर, उसको आप ऐसे स्कूप शॉट भी मार सकते हो। ऐसे बोला है जैसे ऐसे यहाँ लगना चाहिए बॉल, मतलब कि आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, बट आपसे आउट होने का खतरा है। कैच लेगा ऐसे करके, ऐसे कर दिए मतलब पीछे बॉल चल। अगर थर्ड मैन नहीं है, मतलब पीछे खड़ा नहीं है कोई प्लेयर थर्ड मैन, तो आपके पास अगर थर्ड मैन को ना बिल्कुल पावर से मारना पड़ेगा। और अब देखते हैं वाइड एयर कर कैसे। वाइड एयर कर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, बॉल यहाँ है, फिर आपको उसको ऐसे नहीं खेलना है, ऐसे नहीं खेलना है, जैसे ऐसे नहीं खेलना है जिससे सिंगल मिलेगा। वो वाइड एयर रो करा होगा चला चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर दीजिए दो रन मिल जाएंगे। और एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट यॉर्कर, जिसको आपको स्कूप नहीं खेलना है, स्कूप खेले जाएंगे इतनी देर में बॉल निकल जाएगी। बहुत फास्ट यॉर्कर, मतलब कि यॉर्कर अगर यहाँ बॉल लाती है, मतलब कि यहाँ का यॉर्कर है, लेफ्टी है, यहाँ का यॉर्कर है आप, मतलब कि यहाँ कोई यॉर्कर है, मतलब लेफ्टी है कोई, उसको कम यॉर्कर मिलता है। ज्यादा अगर अगर राइट राइट बॉलर है, वो लेफ्टी को यहाँ यॉर्कर फेंकता है, यहाँ मतलब कि राइटी को यहाँ मिलता है, तो उनके लिए शॉट यही, मतलब लेफ्ट बैट्समैन है तो वो लेफ्टी को यहाँ तक फेंकेगा और राइट बैट्समैन है उसको यहाँ फेंकेगा। हाँ, तो इसके लिए एक सही ऑप्शन है, ऐसे राइट पीछे लिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए क्या, तो फिर स्वीप शॉट खेल, स्वीप शॉट ही बात कर रहे थे। और स्वीप शॉट कब खेलना है, स्वीप शॉट के लिए भी यॉर्कर होता है, मतलब ऐसे बॉल आ गया आपको नहीं चाहिए, मतलब यॉर्कर नहीं होता, वो थोड़ा सा पहले गिर जाता है स्लॉट की लाइन पे गिर जाता है, तो उसमें आपको स्वीप शॉट ऐसे खेलना है, स्वीप शॉट को। चलिए आज वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी दशहरा, घर पे बनी रहिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू डिफेंस शॉट। बाय।